हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियो। नागपुर शहर में डिंपल अपने पति आशीष, दो बच्चों और सास ससुर के साथ रहती थी। डिंपल की हर सुबह क्या बनेगा से शुरू होती और क्या बनेगा पर ही खत्म। ऐसे ही एक सुबह, ओहो आज तो बहुत लेट हो गया, बच्चों की टिफिन बांध देती हूँ। बेटा चिंटू, पोहा डाल दो तेरे टिफिन में। ना, पोहा तो परसों ही खाया था, आज हम नहीं ले जाएंगे पोहा। हे भगवान, ऐसे ही नखरे करते रहे ये दोनों तो इनकी तो बस ही निकल जाएगी। अच्छा नूडल्स बना दूं, वो ले जाओगे? हाँ वो ठीक रहेगा। अरे वाह, लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली। ये देखो, ये आजकल की बहुएं काम कम हो इसलिए बच्चों को मैदा खिलाने से बाज नहीं आती। अगर कुछ बोलूं तो कहेगी मेरे बच्चे हैं, जो मर्जी मैं खिलाऊं। धीरे बोलो, कहीं बहू सुन ना ले। सुन ले मेरी बला से, ये अभी तक हमारा नाश्ता आया क्यों नहीं? अरे बहू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? जी माँ जी, लाई। इनके ऑफिस के लिए दाल चावल रायता बनाया है, अब जल्दी में वही खाने को दे देती हूँ। अरे जल्दी नाश्ता दो भाई, क्या बनाया वैसे खाने में? दाल चावल रायता बनाया जी। मुझे नहीं खाना यार ये दाल चावल रायता, भला सुबह सुबह कौन खाता है? अब जल्दी में मैं यही बना पाई, आप रुकिए मैं अभी कुछ और बना देती हूँ। नहीं जी कोई जरूरत नहीं है, पहले ही मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम रहने दो मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। कम से कम अपने पति की पसंद का तो ख्याल रखा कर बहू, अगर समय नहीं मिलता तो थोड़ा जल्दी उठा कर। अरे हम तो अपने जमाने में सुबह 4 बजे ही उठ जाया करते थे। सुबह से किचन में काम कर रही डिंपल को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद डिंपल घर का सारा काम करके जैसे ही बैठने लगती है तो उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। हे भगवान, 1 बज गया, आज तो समय हवा की तरह भागा ही जा रहा है। जल्दी से दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। पापा जी से पूछ कर आती हूँ क्या खाएंगे। पापा जी, क्या बनाऊं लंच में? जो तेरी सास को ठीक लगे वही। इसके बाद डिंपल अपनी सास से पूछने जाती है, मम्मी जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? शादी के इतने साल बाद भी तू मुझसे ही पूछ। अरे खुद भी अपनी अकल से कुछ बना ले। अच्छा सुन, दाल चावल ही बना ले, सब्जियां तो बहुत महंगी हुई पड़ी है। तुम्हारी जी दाल में टमाटर डालना है क्या? नहीं नहीं, दाल में टमाटर का छौंक बिल्कुल भी मत लगाना। और सुन, दाल चावल के साथ थोड़ा रायता भी बना लेना। बेचारी डिंपल झट से जाकर खाना बनाती है और अपने सास ससुर को खाने पर बुलाती है। अरे ये क्या बहू, खाने में टमाटर नहीं डाला, तभी तो दाल खट्टी नहीं हो रही और ना ही इसमें कोई स्वाद है। आपने तो बोला था पापा जी कि मैं मम्मी जी को पूछ लूं। तो ये थोड़ी ना कहा था कि टमाटर डालने की भी पूछ लियो। तुम चुपचाप खा लो जी, तुम कौन सा कहीं के शहंशाह हो जो बिना टमाटर के ये दाल चावल तुम्हारे गले से नहीं उतरेंगे। और वैसे भी ये रायता बनाया है साथ में स्वाद के लिए, कभी बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। माँ बहुत भूख लगी है, खाना दो। हाँ हाँ बच्चों बैठो, ये लो दाल चावल और साथ में रायता भी। ये क्या मम्मी, फिर दाल चावल रायता? मुझे नहीं खाना, पिछले 1 महीने से रोज लंच में दाल चावल रायता खाकर हम बोर हो गए हैं। एक काम करो, मेरे लिए ये चावल फ्राई कर दो नमक मिर्च डालकर। और नहीं तो क्या, बस फर्क ये होता है कि आज लाल मसूर वाली दाल तो कल मिक्स दाल और परसों चने की दाल, लेकिन रोज ये दाल चावल रायता ही बनता है खाने में। आजकल तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके नखरे बढ़ गए हैं, भला क्या बुराई है दाल चावल में? अरे सब्जियों से तो सस्ते ही पड़ते हैं। इसके बाद डिंपल बच्चों के लिए चावल फ्राई करके लाती है। सभी लंच करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने घर में हो रहे इस तमाशे से अब डिंपल परेशान होने लगी थी। अब मैं क्या अपनी प्लेट लगाऊं, सबने जो छोड़ा है उसी में से कुछ खा लेती हूं, कम से कम अनाज तो वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद डिंपल वो खाना खाने बैठ जाती है। आज शाम को डिनर में सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी, सब बहुत खुश हो जाएंगे। फिर रात को वो सबके लिए उनकी पसंद का अलग अलग तरह का खाना बनाती है। वो 3 घंटे तक गर्मी में किचन में खड़े खड़े पसीना बहाती है और फिर बाहर आती है तो देखती है सब तैयार होकर बाहर जाने के लिए बैठे हैं। डिंपल चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सब डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या वैसे मम्मी, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है इतना? अरे ये आजकल की नाजुक बहुएं, जरा सा किचन में काम किया नहीं कि पसीना आ जाता है। 4 लोगों के लिए खाना नहीं बनता इनसे, और एक हम थे जो 40-40 लोगों का खाना बना लेते थे। बेचारी डिंपल मायूस हो जाती है, इतनी मेहनत करके उसने सबके लिए खाना बनाया था जिस वजह से वो बहुत थक गई थी, लेकिन अपनी सास का ताना सुनकर उसके सब्र का बांध ही टूट जाता है और वो गुस्से में कहती है, दिन भर नौकरों की तरह काम करो, सबके लिए खाना बनाओ, दुनिया भर का काम करो, इतनी मेहनत से जो खाना बनाया है अब उसे कौन खाएगा? और माँ जी गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही ना, और अगर इतनी परेशानी है तो किचन में एसी लगवा दीजिए, साथ में अपने लिए कोई काम वाली रख लीजिए जो तरह तरह के पकवान बना सके। इतना कहते ही डिंपल बेहोश हो जाती है। आशीष जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। देखिए अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम मत लीजिए, इससे आपको ही तकलीफ होगी। अरे काम का क्या है, ये तो होता ही रहेगा, गर्मी में
जितना आपका पसीना बहेगा आपकी बॉडी उतनी ही डिहाइड्रेट होगी, इसलिए काम के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिए। इसके बाद सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब डिंपल की मेहनत से बनाए हुए खाने को बड़े प्यार से खाते हैं। अब उसके हाथों का बना वही दाल चावल रायता सब बड़ी खुशी खुशी खाते। बीनू और चंदन आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद बीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होने को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदन का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे ये मेरा पैर, अरे ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ बीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया। तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भागे को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बीना। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे बीना पटरी से दूर जाती है तभी ट्रेन आकर विनोद के पल भर में काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंदन के जाने के बाद बीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और वो अकेली ही मंडी जाती है और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती है उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बीना घनश्याम को कुछ प्याज पीटते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझे गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बीना बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए। ठीक है बहन, ले जाओ, वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद बीना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बीना साफ छाटे हुए प्याजों को काट कर आटे में मिलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज निकल गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चेक कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना? बीना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को बीना के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीना को अब 7वां महीना लग गया था जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे एक रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नंगी जान कैसे भूखी रहेगी? इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूं? हाँ याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं, वो अब पूरी तरह पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन लाल के वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं, लो तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है तो इसका फायदा उठा। उसके बाद बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुँचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी। लगता है बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबके जुबान पर चढ़ गया तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बिना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बिना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बिना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठों वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी।